प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर पिछले 12 दिनों से अनशन कर रहे शौर्य चक्र प्राप्त विजेता विकास जाखड़ ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। विकास जाखड़ ने कहा कि जिस रीट परीक्षा को सरकार उत्सव बता रही है, दरअसल वो एक मातम था। युवाओं के सपनों का सरकार ने सौदा कर दिया है। अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो केवल मोहरे हैं, बल्कि इस खेल में बड़े और पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें सरकार बचा रही है। यही कारण है कि जब एसओजी ने कह दिया कि पेपर 48 घंटे पहले बाहर आ गया था, तो सरकार इसे लीक भी नहीं मान रही और न ही सीबीआई जांच सौंप रही है। उन्होंने कहा कि जब एक मिनट में हम तकनीक के द्वारा हजारों लोगों तक किसी चीज को पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में एसओजी कह रही है कि वह तलाश करेगी कि किस किस के पास पेपर गया है, जो एक हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नहीं मान रही थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए शिक्षा संकुल तक बात आ गई है, लेकिन शिक्षा संकुल से जुड़े बड़े पावरफुल लोगों तक शायद ही एसओजी पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि केवल एक रीट परीक्षा की बात नहीं है, जेईएन, एसआई, लाइब्रेरियन, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सभी ने सरकार ने खेल खेला है, युवाओं के सपनों का सौदा किया है, इसलिए उनका अनशन भी जारी है। आपको बता दें कि आंदोलन के क्रम में आज शाम को 6:15 बजे युवाओं से विकास जाखड़ ने अपने अपने क्षेत्रों में कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है, ताकि सोई हुई सरकार जाग जाए और युवाओं के साथ न्याय करे। सरकार तो पहले भी नहीं मान रही थी, जिसको मास्टरमाइंड बोल के काफ़ी दिनों से लिपापोती कर रहे थे, जबकि वो मास्टरमाइंड था भी नहीं। उसको ये आंदोलन से जब युवा बाहर निकला है, प्रेशर बना है, तब जाके उसको पकड़ा गया है। उससे आगे फिर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। जो ये दो आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें से एक का तो खुलासा पहले ही कर दिया गया था। तो एसओजी जो जिसके पास पूरी मशीनरी है, जांच कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, उसको पता नहीं, और आम पब्लिक को पता था कि मुख्य आरोपी कौन है। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ छुपाने की कोशिश थी। फिर अभी भी जो तार जुड़ रहे हैं, उसमें भी ये लोग सीबीआई इंक्वायरी करवाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो और इनके बड़े जो आका हैं वो ना फंस जाएं। पेपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसओजी की, तो मुझे हंसी आ रही थी कि बोले 48 घंटे पहले पेपर लीक होता है 24 तारीख को, और ये पता कर रहे हैं किस किस के पास में पेपर पहुंचा। आज आपके पास में मोबाइल है और पेपर है, तो एक साथ आप हज़ारों लोगों के पास में पहुंचा सकते हैं। मैं अपने मोबाइल से नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरे मोबाइल के थ्रू वो जो है पेपर जो कंटेंट है वो औरों के पास पहुंचा दूंगा। तो हज़ारों लोगों के पास पहुँचा है, क्या पता करेंगे ये? ये एग्ज़ाम तो मतलब एक तरह से इन्होंने पाप किया बच्चों के साथ में, उनके सपनों के साथ सौदा किया है। ये तो कैंसिल होनी होनी चाहिए, और जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ तक पहुँचने के सीबीआई इंक्वायरी ही करवानी पड़ेगी, ताकि एक दहशत रहे रास्ता में, लंबे समय तक ऐसा कुछ करने की कोई दोबारा सोचे तक नहीं। अभी जो भी गांव में इन्होंने दमन किया था, राजस्थान सरकार के मुखिया के इशारे पर जो प्रशासन ने किया था, उसके विरोधास्वरूप 26 तारीख को हमने आह्वान किया था कि गांव में धरना, प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपा जाए। तो सभी झुंझुनू के तो सभी जो है हिस्सों में, सीकर में, बड़े लेवल पे ये सब कुछ हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, युवाओं ने, और प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी हमारे पास में फुटेज आई हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स आई हैं जो हमने मीडिया को भी दी हैं। पॉइंट कहीं कहीं हमारा कन्वे नहीं हुआ, तो फिर से हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए और अपने मूवमेंट को एक धार देने के लिए एक संगठन संगठित होके और आगे बढ़ने के लिए एक आह्वान फिर से किया है कि 28 तारीख को शाम को 6 बजे जहाँ भी मौजूद हैं 6:15 बजे बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकालें मांगों को लेकर, जो महाघोटाले हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं भर्तियों में, इसके खिलाफ एक जागृति के तौर पर, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मूवमेंट में जुड़ सकें। देखिए अब अनशन पे हूँ, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अब मान लो कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद में फिर से कोई दिक्कत हो जाती है ना। तो अभी तो फिलहाल तो स्टेबल हो, पर डॉक्टर ने कहा था कि जो कीटोन बॉडी है वो काफ़ी बढ़ रही है, तो ब्लड सैंपल ले गए हैं वो, उसकी रिपोर्ट आएगी, किडनी कैसे फंक्शनिंग क्या कर रही है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं है। कहीं मेरे को तो डायरेक्टर किसी ने नहीं बोला कि जयपुर रेफर अब करेंगे, पर इनके ही जो हैं
प्रशासन या इनके जो हॉस्पिटल स्टाफ है इन्हीं से कोई बात छन छन के आई थी कि जयपुर आपको रेफर किया जा सकता है।